पूरी कौम ने इसकी भरपूर मजम्मत की है। इससे ज्यादा घटिया हरकत कोई और हो नहीं सकती है कि खातून का जो एहतराम, इज्जत और मकाम खुद कुरान करीम जिसकी माँ पर जिक्र करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खवातीन की हुर्मत और इज्जत की उन्होंने फरमाया, उन्होंने अपने एक में कई अहादीस हैं और हम खुद ये एक हमारा माशरे में है कि माँ के कदमों में जन्नत है। तो आपके साथ जो वहां पर इंतहाई नारवा सलूक और इंतहाई शर्मनाक सलूक रवा रखा गया है, उसकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अभी मेरी उनसे टेलीफोन पर दूसरे हवाले से बात हो रही थी, लेकिन दिन में मुझसे मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने उसकी भरपूर मजम्मत की है। आपको बहुत दुआएं दी हैं, आपको बड़ा उन्होंने सलाम दिया और एक बेटी के लिए प्यार दिया और आपकी जो जो आपकी जो इज्जत और कदर जिससे आपने एक बहादुरी से और बर्दबारी से सब कुछ बर्दाश्त किया, हम सब आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और पूरी कौम मैं समझता हूँ जो जी शऊर लोग हैं उन्होंने इसका बेपनाह इसका गुस्सा किया और बुरा मनाया और इसकी भरपूर मजम्मत की। तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह पूरी पार्टी आपके साथ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं खुद चीफ वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और सारी पार्टी वर्कर सब आपके साथ है, कौन आपके साथ है। सर मैं 2013 से हूँ और इनके साथ पीछे आप लोगों ने गालियां नहीं दी और ये इस बात पे मेरे साथ लास्ट 2-3 अवर्स में माने थे, लेकिन इस दफा जिस तरह मैं अंदर हुई तो इन लोगों ने प्री प्लेन ये जो अली अमीन गंडापुर उसने बहुत ज्यादा लोगों ने स्टार्ट किए, सब ने मुझे कहा आप हाल से निकलो, मुस्लिम लीग लोगों को आज हाल फुटाने नहीं देंगे। मैंने कहा व्हाटएवर इन लोगों ने जो करना है वो करके दे। उसके बाद जो है सब में शीशों से, चर्स से, नसवारों से, मोबाइल के चार्जरों से, पेनों से, और उधर से गैलरी को तोड़ा है, जाके कोई चेक कर ले गैलरी के सारे शीशे तोड़े हैं और मेरे ऊपर टैंक है जो मैं घूम रही थी वो मैं वो शीशों और वो चर्सों के उससे मैं घूम रही थी कि एक जगह पे निशाना वो सबका वो ना हो, तो वो इसलिए मैं इसलिए वो घूम रही थी, लेकिन मैं शो कर रही थी कि जो भी कर रहा है तुम लोग करो मेरे साथ। लेकिन आज मैंने कहा आप सबके लिए मैं एक काफी हूँ। ये आपका हौसला, आपका बर्दाश्त इंशाल्लाह रंग लाएगा और आईन और कानून अपना रास्ता अपनाएगा इंशाल्लाह। हम आपके साथ हैं, साथ खड़े हैं। आज मैंने ये प्रॉपर एप्लीकेशन लिख के दे दी, वो लोग नहीं कर रहे थे तो मैंने इसका जो है और सर मैं ये केस इनके साथ लड़ूंगी और ये जो इन लोगों ने गालियों गलोच का जो इन लोगों ने किया है आप सब लोग मेरे सिर्फ साथ दें ताकि FIR दर्ज होगी। नहीं उन लोगों ने सिर्फ मैंने दरखास्त दी और रिसीविंग ली भाई से कर लूंगी, वो लोग तो उसको जमा भी नहीं कर रहे थे, रोजनामचे में भी नहीं डाल रहे थे कि हम आगे इस मामले में पार्टी आपके साथ है और मैं जाती तौर पर मियां नवाज जाती तौर पर हम बहुत रंजीदा हैं और इस सिलसिले में जो भी कानूनी चारा जो हो सकती है वो इंशाल्लाह उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर बस यही चाहिए कि ये हम पॉलिटिक्स के इस सियासत से कम जात के ऊपर जो गालियां देते हैं और पर्सनल लाइफ को वो करते हैं उस चीज से ऐसे लेजिस्लेशन भी हो ताकि इसको हम निकाल सके कि जो भी है उस पर जुर्म आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि आपकी ये जो जो आपकी जायज आपकी जो दिल को आपको ठेस पहुंची और जो आपके साथ ज्यादती की गई है उसमें जो भी कानून इजाजत देता है हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत रखें, पूरी पार्टी आपके साथ है, हम सब आपके साथ, कौम आपके साथ है इस बारे में।